हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिस टू ट्रेवलिंग्स में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम राष्ट्रपति भवन और सांसद यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। आप इसे सत्ता का गलियारा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से ही देश का कानून बनता है और उसी कानून से हमारा पूरा देश चलता है। और दोस्तों, यहाँ पे नया सांसद भवन भी बनना स्टार्ट हो गया है, जो कि पुराने सांसद भवन के बिल्कुल बाजू में, आपने इसे टीवी पे भी देखा होगा। और दोस्तों, यहाँ साउथ और नॉर्थ ब्लॉक है, जिससे जस्ट बीच में प्रेसिडेंट हाउस है, जहाँ पे 26 जनवरी को परेड राजपथ से होते हुए सीधा इंडिया गेट तक जाती है। दोस्तों, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, आपको ज्यादा पास जाने नहीं दिया जाएगा और यहाँ पे ज्यादा देर आप खड़े भी नहीं रह सकते। तो हम लोग जस्ट बहुत दूर से ही देख के यहाँ से निकल गए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। बाकी लोग भी बस दूर से ही देख के यहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए, अब चलते हैं हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन में, जो कि है लाल किला। तो दोस्तों, हम पहुंच गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन में, जो कि रेड फोर्ट है। और यहाँ पे हम लोग फटाफट से अपनी टिकट ले लेते हैं। तो आप टिकट काउंटर यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अब शाम हो गया तो थोड़ी सी भीड़ अब कम हो चुकी है। और दोस्तों, इस टिकट के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। अगर आप रेड फोर्ट बस देखना चाहते हैं तो आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, और अगर साथ में आप म्यूजियम भी देखना चाहते हैं तो आपको 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं इसके बारे में और भी बता देती हूँ आपको कि ये मंडे पे क्लोज रहता है, मंडे को, और बाकी के 6 दिन ये ओपन रहता है, संडे को भी ओपन रहता है। और इसकी टाइमिंग जो है वो सुबह 9:30 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक ही है। तो चलिए दोस्तों, रेड फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। मुगल बादशाह बाबर के 7 पीढ़ियों ने शासन किया था। शाहजहां 5वें मुगल बादशाह थे, जिन्होंने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी और आगरा को राजधानी बनाया था। तो राजधानी पहले आगरा ही हुआ करती थी और वहां शाहजहां ने 11 साल तक शासन किया था। दिल्ली को शाहजहांबाद के नाम से बसाया गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। में इस किले को बनाना शुरू किया गया था, जो कि 1648 में बन के तैयार हुआ था। पूरे 9 साल लग गए थे लाल किले को बनने में। और लाल किले के टोटल 4 गेट हैं, जिसके नाम है दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट और लाहौर गेट। और दोस्तों, लाहौर गेट इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इस गेट का फेस सीधे पाकिस्तान के लाहौर के तरफ पड़ता है। और दोस्तों, रेड फोर्ट जो है वो बहुत ही बड़े एरिया में है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ सकता है। इस वजह से यहाँ पे अंदर में भी रिक्शे का फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, जो कि 20 रुपीज़ पर पर्सन था। और ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाता है उन लोगों के लिए जो चल नहीं पाते, जिनको थोड़ी दिक्कत है। तो रिक्शा आपको फटाफट से वहाँ पर पहुँचा देता है एंट्री गेट के पास, तो आप ये सुविधा भी यूज़ कर सकते हैं रेड फोर्ट में। और दोस्तों, हम लोगों ने भी रिक्शा ले ली थी, क्योंकि चल चल कर बहुत ज्यादा हम थक चुके थे, चलने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। दोस्तों, लाल किले के बारे में और भी बातें मैं आपको बताती हूँ। 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार यहाँ से स्पीच दी थी। उनके बाद से जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है हमारे देश का, वो यहीं से ही स्पीच देता है।
और दोस्तों हमारे साथ एक बुरी चीज़ ये हुई है कि हम लोग जो टाइमिंग था 4:30 बजे उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं, इस वजह से हमें एंट्री नहीं मिल पाई, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि हम इतने दूर से आए थे और हमें एंट्री भी नहीं मिल पाई। तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों, हम बाहर से ही आपको दिखाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम दिल्ली आएंगे तो ज़रूर से ज़रूर हम रेड फोर्ट कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे नेशनल फ्लैग के अलावा एक और फ्लैग लगाया जाता है जो कि इंडियन आर्मी का है, जो कि रोज सुबह आर्मी लगाती है और शाम को निकाल देती है। और दोस्तों हम तो शाम को ही पहुंचे थे तो हम लोगों ने फ्लैग को निकलते भी देखा है, हमारे नेशनल फ्लैग को। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आप दिल्ली पूरी तरीके से घूमना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन का टाइम रखिएगा, तभी आप सारे चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये तो हमारे जैसे हुआ है कि हम लोगों ने कुछ कुछ नहीं देख पाए क्योंकि टाइमिंग की वजह से एंट्री हमको नहीं मिल पा रही थी, तो हमारा कुछ कुछ मिस हो गया। तो वैसा आपके साथ ना हो तो इस वजह से आप 2 से 3 दिन दिल्ली के लिए ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों अब हम पहुंचे हैं महात्मा गांधी की समाधि राजघाट में, और यहाँ पे भी शाम हो चुका था ऑलमोस्ट, तो बाउंड्री टाइमिंग में हम पहुंचे थे। अगर इससे भी हम 10 मिनट लेट होते तो हमें एंट्री नहीं मिलती थी, थोड़े से हम यहाँ पे लकी हो गए कि हमें एंट्री मिल गई थी। और देखिए शाम हो गया था, लाइटिंग वगैरह यहाँ पे जल चुकी थी। काफ़ी सुंदर सा गार्डन जैसा इसको बना के रखा हुआ है, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि हमें बहुत दूर तक चल के जाना पड़ रहा था। और दोस्तों यहाँ के टिकट सिस्टम के बारे में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं है, यहाँ पे फ्री एंट्री है बिल्कुल, बस आपके बैग की चेकिंग ज़रूर होगी। और ये 7 डेज ओपन रहता है, सुबह 6:30 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक इसकी एंट्री होती है। और अगर बात की जाए कि यहाँ तक आप पहुँचे कैसे, अगर आप मेट्रो लेते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो पड़ेगा वो है दिल्ली गेट का, और दिल्ली गेट का भी गेट नंबर 4, वहाँ से आप निकलेंगे तो आपको ऑटो मिल जाएगी, जहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर की है, तो आप पैदल भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी नहीं था, हम लोगों को यहाँ पे चप्पल उतारने को बोला गया और यहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे, वो बोल रहे थे कि आप फटाफट बस जल्दी से देख के आइए क्योंकि टाइमिंग हो चुका है। देखिए दोस्तों फाइनली हम समाधि के पास पहुंच चुके हैं। महात्मा गांधी का समाधि जो है वो यमुना नदी के पश्चिम किनारे पर बना हुआ है और ये काले संगमरमर से बना हुआ है दोस्तों, और इस पर महात्मा गांधी के जो अंतिम शब्द थे हे राम, वो भी लिखा हुआ है। Thank you.
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको दिल्ली 2 सीरीज के किसी दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।